उत्तर प्रदेश में हरदोई के शाहबाद में भाजपा की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज राहुल गांधी का प्रदेश में कोई वजूद नहीं बचा, इसीलिए वे सुरक्षित सीट तलाशते हुए केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी निशाने पर लिया। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मौर्य ने कहा कि आज दुनिया भर में देश का मान बढ़ रहा है। श्री अखिलेश यादव जी ने अगर गरीबों के लिए, किसानों के लिए, गांव के लिए कुछ किया होता तो सत्ता के शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ करके नहीं फेंकती। मैं आया हूँ लखनऊ से हरदोई और जैसे मैंने दाएं और बाएं देखा, गांव में बसे हुए लोगों के लिए सर्विस रोड तक पहुँचने के लिए भी मार्ग नहीं बनाया था और हमने उसको बनाना नहीं शुरू किया बल्कि हमने बना करके तैयार कर। मायावती जी भगवान राम से अपनी तुलना ना करें तो अच्छा होगा, और उनको शायद मालूम नहीं है भगवान राम की जो प्रतिमा लगने वाली है वो जन सहयोग से लगने वाली है। उन्होंने सरकारी खजाने से अपनी मूर्ति लगवाई थी, इसलिए कोर्ट ने उनसे सवाल किया है, ये सरकार ने सवाल नहीं किया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।